इको न्यूज में आपके साथ प्रमिला। नजर डालते हैं दिल्ली की खबर। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में दर्पण क्रिएशन द्वारा फैशन फेस्ट का आयोजन किया गया। अपना योगदान दिया। इनमें ज्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ थी जिन्होंने अपने सपने अपनी आकांक्षाओं को अपने अंदर ही दफन कर दिया था। किसी ने सामाजिक और पारिवारिक बंधनों के कारण तो किसी ने आर्थिक तंगी के कारण। दर्पण क्रिएशन ऐसी महिलाओं को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मौका देकर उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम कर रही है ताकि ये महिलाएं फिर से अपने हुनर अपने सपने कई महिलाओं ने अपने अपने अंदाज में रैंप वॉक करके फैशन फेस्ट के शो में चार चांद लगा दिया। तो वहीं कई महिलाओं ने अंदाज़ी गानों पर ठुमके लगाकर देखा है मैंने प्रकटे परिंदों को भी मंजिल पाते हुए बिना सुरताल की अपनी इस जिंदगी को रोशनया गीत गुनगुनाते हुए कि महज मेरा जुनून ही काफी है आसमां को झुकाने के लिए कि महज मेरा जुनून ही काफी है आसमां को झुकाने के लिए वरना मैंने देखा है तकदीर की लकीरों का ये खेल राजा को फकीर और फकीर को राजा बन जाते हो। इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में नजफगढ़ की प्रधान नीलम कृष्णा प्रसाद ने अपने सकारात्मक बातों से प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने का प्रोग्राम तो होते रहते हैं लेकिन समाज को बदलने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जो हमें प्रेरित करे और सभी मॉडलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं जरूर एक बात बोलूंगी कि प्लीज आप माइंड मत करना क्योंकि जो संध्या जी ने एक हाउसवाइफ होते हुए इतने बड़े बड़े बच्चों के साथ प्रोग्रेस करके और उस ग्रामीण समाज से निकलकर इस नए फील्ड में स्टेप उठाने के लिए जो हिम्मत उसने दिखाई है तहे दिल से वो वास्तव में संध्या जी के लिए काबिले तारीफ है और मैं दिल से इन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। इंसान को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अगर वो अपने मुकाम में टैलेंट दिखाती हैं तो उनको मौका दर बदर मिल जाता है अगर उनमें टैलेंट है तो खुद तय करे कि वो आकाश में उड़ना चाहती है वो डॉक्टर बनना चाहती है वो इंजीनियर बनना चाहती है वो पत्रकार बनना चाहती है या वो एक सफल गृहिणी बनना चाहती है। साथ ही फैशन क्वीन दिल्ली एनसीआर की विनर रही डॉक्टर संगीता राय साथ ही फर्स्ट रनर अप लक्ष्मी बिमला और सेकेंड रनर अप रश्मि गुप्ता। कार्यक्रम के आयोजक हरि प्रकाश पांडे जूरी मेंबर सुषमा सिंह एंड मनदीप कौर ने जमकर तालियां बजाई और इन लोगों को प्रोत्साहित किया।